तो एक और बढ़िया मैच। In comes the fielding side. They look charged up and ready to go. गुजरात और लखनऊ के बीच मैच खेला जा रहा है। गुजरात यहां पर पहला बैटिंग करने वाला है। Here come the openers, greeted with a loud cheer from the crowd. गुजरात की टीम के दोनों बल्लेबाज ओपनर मैदान पर आते हुए। पेस बॉलर इनटू द टैंक। तो पहले गेंद का सामना करने वाले हैं मैथ्यू वेड। पहले गेंद कोई रन नहीं, बहुत बढ़िया शॉट। बढ़िया शॉट, कोई रन नहीं। दूसरी गेंद पर लगातार डॉट गेंद। यहाँ पर तीसरी गेंद आने के लिए तैयार है। यहाँ पर बढ़िया शॉट, चौका बटोरा। यहाँ बेहतरीन चार रन बटोरे मैथ्यू वेड के बल्ले से। यहाँ पहला चौका आता हुआ। बेहतरीन बल्लेबाजी की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर। क्या शॉट मारा है, बेहतरीन छह रन के लिए। ये और बढ़िया शॉट, इस बार ऑफ साइड में, छह रन के लिए। मैथ्यू वेड के बल्ले से एक और छक्का आता हुआ। यहाँ लखनऊ की टीम बेहतरीन गेंदबाजी करने की कोशिश करनी पड़ेगी, वरना इस तरीके से रन बटेंगे। एक और बढ़िया शॉट, यहाँ पर लगातार छह रन। यहाँ मिड विकेट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, क्या खूब शॉट खेला। गेंद को बल्ले से लिया और टाइमिंग के साथ 118 मीटर का छक्का। यहाँ पर बोल्ड, यहाँ विकेट गिरता हुआ। तीन लगातार शॉट अच्छे मारे मैथ्यू वेड, चलते बने 16 रन बनाकर छह गेंदों का सामना किया। तो इस तरीके से विकेट गिरा मैथ्यू वेड का। ऑफ स्टंप आ गया। यहाँ पर डेविड मिलर, मिलर किलर मैदान में आते हुए। चमीरा अगली ओवर डालेंगे। शुभमन गिल सामना करेंगे पहली गेंद दूसरे ओवर की। तो 16 रन पहली ओवर में बना चुकी है गुजरात की टीम। ये बढ़िया शॉट गैप में खेला, इस बार कवर के क्षेत्र में चार रन के लिए। बेहतरीन शॉट, खूबसूरत बल्लेबाजी लगातार। नए बल्लेबाज शुभमन के लिए बल्ले से ये चौका आता हुआ। यहाँ कवर पर फील्डर लगा दिया गया है, वहाँ पर चौका गया अभी। यहाँ गेंद को मिस किया है, बाहरी किनारा ले सकता था। यहाँ पर बाल बाल बचे और ये गेंद बहुत बढ़िया डाली, एकदम वाइड के किनारे, लेकिन सही तरीके से गेंद डाली। डॉट आती हुई लगातार। यहाँ पर एक और गेंद मिस करते हुए शुभमन गिल, चार गेंदों का सामना किया है। पहले गेंद पर चौका लगाया, दूसरी तीन गेंद लगातार डॉट गेंद।
डगआउट में खिलाड़ी शुभमन गिल सामना करेंगे। यहाँ पर चमी राता और गलत तरीके से खेल दिया आड़े हाथों से, यहाँ पर कोई रन नहीं। 20 रन गुजरात पहुँचते ही और यहाँ पर कामयाब रहे हैं शुभमन गिल। सामने खेला 4 रन मिले। बहुत बढ़िया तरीके से खेला गया शॉट, शुभमन गिल ने सामने की तरफ खूबसूरत शॉट खेला और ये चौका बटोरा। पीछे फील्डर भाग रहे थे रोकने के लिए लेकिन कोई मौका नहीं था। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन हो चुके हैं, 24 रन बना लिए हैं गुजरात ने। पहले लखनऊ ने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला लिया है। 2 ओवर के बाद गुजरात का 24 रन स्कोर हो चुका है, पहला विकेट गिरा है। मैथ्यू वेड का बोल्ड हुए थे, डेविड मिलर अभी स्ट्राइक पर आए हैं। शुभमन गिल 8 रन बनाकर खेल रहे हैं, डेविड मिलर किलर कहलाने जा रहे हैं, तो इनका औसत अच्छा है, स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। 2950 लगाई है और 3 शतक लगाए, बेस्ट इनका 120 है, तो देखना पड़ेगा। यहाँ पर डेविड मिलर पहले गेंद पर चलते बने बोल्ड हुए, ऑफ स्टंप निकाल दिया गया। और जी हाँ, पहले गेंद पर एंड्रू टाई ने विकेट लिया है, बहुत बढ़िया तरीके से इनको आउट किया है। कोई भी मौका नहीं यहाँ पर मिला। तो नए बल्लेबाज कप्तान खुद आए हैं हार्दिक पांड्या खेलने के लिए, तो इसका यहाँ पर बहुत मुश्किल में हो सकती है गुजरात की टीम। पहले गेंद कोई हलचल नहीं, जाने दिया कीपर के पास। और दूसरी गेंद हवा में उठाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं, एक और डॉट गेंद आती हुई। ले लीजिए हार्दिक पांड्या इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन के लिए, खूबसूरत शॉट लगाया और छक्का हासिल किया। एक और गेंद लेके एंड्रू टाई, हार्दिक पांड्या ने सामने की तरफ इस बार फील्डर के ऊपर से, 2 फील्डर वहां पर मौजूद थे लेकिन 4 रन स्ट्रेट ड्राइव सीधा और टप्पा लेती हुई गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। तो हार्दिक पांड्या अमूमन पहले समय लेते हैं लेकिन आज समय नहीं लिया, पहली गेंद को ही जाने दिया और दूसरी 2 गेंदों पर लगातार बेहतरीन शॉट। और एक और गेंद सामने की तरफ, हार्दिक पांड्या के बल्ले से 4 रन आते हुए, बेहतरीन शॉट। इस चौके के साथ हार्दिक पांड्या पूरे लय में 33 नंबर की जर्सी पहने हार्दिक पांड्या बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद का सामना किया था। उन्होंने लगता था कि गेंद पर आएंगे नहीं अच्छे से,
तो यहाँ पर ओवर की समाप्ति हुई। तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर गुजरात की टीम। तो शुभमन गिल 8 रन बनाकर खेल रहे, हार्दिक पंड्या अच्छी बल्लेबाजी करी उन्होंने और अच्छे स्कोर पर 14 रन बना लिए हैं 5 गेंदों पर। और इस बार शुभमन गिल के बल्ले से यहां पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन आते हुए। अमूमन ऐसा हार्दिक पंड्या ऐसा खेलते हैं, शुभमन गिल भी ऐसा खेलते हैं, दोनों बल्लेबाज लाइन में। और पहले गेंद पर चौका बटोरा, खूबसूरत शॉट। तो कप्तान थोड़े से नाराज है, बल्लेबाजी देखकर गेंदबाजी अच्छी नहीं हो रही लखनऊ की टीम से। 42 रन 3.1 ओवर में बना लिए हैं। और एक और बढ़िया शॉट, इस बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 4 रन बटोरे शुभमन गिल ने। शुभमन गिल 16 रन पर पहुंचे हैं, 8 गेंदों का सामना किया है। और बार फील्ड में थोड़ी तब्दीली कर दी जाएगी, फील्ड का प्लेसमेंट लगातार बदलता हुआ। यहाँ पर इस बार जी हाँ 30 यार्ड सर्कल को घुमाकर खेला, फील्ड के साथ खेला, 4 रन बटोरे यहाँ पर शुभमन गिल ने। देखा कि वहाँ पर कोई फील्डर नहीं था तो उसका फ़ायदा लेते हुए बेहतरीन शॉट। जी हाँ देखे, नो मैन्स लैंड में थोड़ा सा जोखिम ज़रूर उठाया लेकिन वहाँ पर 4 रन मिले। 50 रन इसी के साथ पूरे हुए 3.3 ओवर के अंदर। एक और बढ़िया शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में, इस बार चौका आता हुआ। तो यहां पर चौकों की छड़ी लगातार। चार गेंदों पर 4 चौके शुभमन गिल के बल्ले से। यहाँ पर गैप में खेला हुआ कट शॉट, 4 रन। एक और बढ़िया शॉट ऑफ साइड में, इस बार देखा था पॉइंट का खिलाड़ी थोड़ा दूर है तो पॉइंट का खिलाड़ी वहाँ पर दूर, तो उसका फ़ायदा लेते हुए बहुत बढ़िया तरीके से गैप खेला, कैच भी हो सकता था, जोखिम उठाया था लेकिन यहाँ पर 4 रन मिले। तो 5 गेंदों पर 5 चौके लगे हैं। ये अंपायर क्या वाइड देगा? जी नहीं, बहुत बढ़िया बॉल, आउट स्विंग करती हुई गेंद, आखिरी गेंद। तो यहाँ पर गुजरात की बात करें तो पहले मैथ्यू वेड आउट हुए और पहली गेंद पर आए थे मिलर और विकेट उनका पहली गेंद पर चला गया, यानी डक पर आउट हुए। 2 बल्लेबाज टिक कर खेल रहे, हार्दिक पंड्या और शुभमन गिल। शुभमन गिल ने आखिरी ओवर में 5 चौके लगाए, 28 पर खेल रहे, 12 गेंदों का सामना किया है। तो एंड्रू टाई फिर से आएंगे गेंदबाजी के लिए। उसी तरीके से फील्ड होगी। हार्दिक पंड्या सामना करेंगे पहली गेंद और हार्दिक पंड्या मिस किया पहली गेंद को, एकदम चूक गए, गेंद को संभाल नहीं पाए, कोई रन नहीं। ये लीजिए हार्दिक पंड्या के बल्ले से यहाँ पर 6 रन आते हुए। इस बार कवर के ऊपर से उठा के खेला हुआ। तो हार्दिक पंड्या पहली गेंद को लेते हैं समझने में
और लगातार प्रहार करते हैं दूसरी गेंद से। एक और बढ़िया शॉट, कट शॉट हार्दिक पांड्या के बल्ले से। यहाँ पर सिर्फ 8 गेंदों का सामना किया है, 24 रन बनाए हैं हार्दिक पांड्या ने। तो इस ओवर से अब तक 10 रन बन चुके हैं। और लेट खेला यहाँ पर, ये बढ़िया शॉट है। इस बार हार्दिक पांड्या ने उठा के मिड विकेट के क्षेत्र में 6 रन के लिए, खूबसूरत शॉट, बेहतरीन बल्लेबाजी हार्दिक पांड्या। यहाँ पार्टनरशिप 16 गेंदों पर 50 रन की हो चुकी है। शुभमन गिल ने 20 रन जोड़े हैं, हार्दिक पांड्या ने 30 रन जोड़े हैं, सिर्फ 10 गेंदों का सामना किया है। तो इस तरीके से ये छक्का बेहतरीन शॉट था, और देख सकते हैं क्या खूबसूरत सीधा स्कोर बोर्ड के जाके लगी, लगता है नहीं कैच, क्राउड में लिया गया है कैच। तो आखिरी गेंद ओवर थी, और गेंद को मिस किया है। तो पार्टनरशिप बात करें पहली विकेट के लिए 16 रन की थी, दूसरी विकेट के लिए 8 रनों की थी, और तीसरी विकेट के लिए अभी 50 रन सिर्फ 17 गेंदों पर। इस तरीके से बेहतरीन आगे मैच बढ़ेगा, रोमांच और बढ़ता रहेगा दोस्तों, लगातार बने रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।